आपको स्कूल्स के ये जानलेवा पनिशमेंट्स के बारे में नहीं पता होगा, कैसे ये पैकेट में आने वाली मैगी पिरामिड से भी कहीं ज्यादा लंबी हो सकती है, कैसे इस जानवर को खाते हुए देखने से आपके एग्जाम का स्ट्रेस खत्म हो सकता है, और ये जो गलतियां हैं ये हम इतने गलत करते हैं कि मैं भी कहूंगा इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। भाई वीडियो को 3 गिनने तक लाइक कर दो, नहीं तो मैं आपका अकाउंट हैक कर दूंगा। 1 2 3 कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई चिप्स या फिर स्नैक खाते हैं तो उसका जो मसाला है वो हमारी उंगली पर लग जाता है, और इसका सोल्यूशन डोरिटोस ने बहुत कमाल का लाया है। उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो एकदम डोरिटो के बैग जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में ये एक टॉवेल होता है, यानी कि आप अपने चिप्स के पैकेट को इस बड़े से बैग में डाल सकते हो और उसके बाद आप आराम से अपने चिप्स को खा सकते हो, और खाते हुए आप इसी बैग पर अपनी उंगलियां साफ कर सकते हो, और ये बैग पूरी तरीके से रियूजेबल और वॉशेबल है, यानी कि आप इसे धोने के बाद बार इस्तेमाल भी कर सकते हो और अपनी उंगलियों को मसालों से बचा सकते हो। नंबर 16, अक्सर हमारी ये आदत होती है कि हम दूसरे लोगों के एक्शंस को उनकी पर्सनालिटी पर डाल देते हैं और ना कि सिचुएशन पे, कि उन्होंने कैसे सिचुएशन में ये डिसीजन लिया था और ये डिसीजन उसकी तरफ से सही है या गलत, और हम हमारे एक्शंस को कभी भी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर नहीं डालते। कई बार तो हम हमारे एक्शंस को भी उनकी पर्सनालिटी का ही प्रॉब्लम बता देते हैं। इसी चीज को अक्सर गैसलाइट करना भी कहा जाता है, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए और इसके बाद एक लॉजिकल डिसीजन रखना चाहिए, और एक्शंस को कभी भी पूरी तरीके से एक चीज पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। नंबर 15, ये जो लेजर होता है ना, इनसे आप इतने बड़े पेड़ तक भी काट सकते हो। भाई मजाक है, ये वाली नहीं बल्कि इस वाली से। इसमें ये लोग लेजर का इस्तेमाल करते हैं, इससे वो पहले टारगेट को लॉक करते हैं और उसके बाद बस एक बीम से पेड़ को काट देते हैं। यूजुअली इतनी ऊपर से पेड़ को काटने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, लेकिन इस लेजर वाले गन की वजह से नीचे बैठे ही पेड़ को काटा जा सकता है। ये इंसानों के लिए बहुत सेफ हो जाता है, लेकिन उसी के साथ ये काफी रिस्की भी है, क्योंकि ये लेजर बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये बर्ड्स के साथ साथ और कई सारी चीजों को नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 14, अगर आप यूके के कॉइन्स को एक साथ जोड़ोगे तो भाई आपको एक गजब की चीज दिखेगी। जब इनको एक साथ मिलाया जाता है तो वो कुछ ऐसे शील्ड बनता है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कोइंसिडेंस ही हो गई है, बल्कि इसे एक्चुअली में ऐसा ही बनाया गया था। दरअसल इन्होंने जानबूझकर कॉइन के डिजाइन में शील्ड के अलग अलग पार्ट्स को ड्रॉ किया है, और जब इन सारे कॉइन्स को एक पर्टिकुलर एंगल में रखा जाता है तो ये एकदम शील्ड की तरह लगते हैं, और इसे देखने के लिए आपको सारे यूके के कॉइन को कलेक्ट करना पड़ेगा। इंडियन कॉइन्स में भी ऐसा एक कंटिन्यू डिजाइन जरूर होना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग होता। नंबर 13, गोल्फ बॉल टार्सन द वंडर कार से कम नहीं है। आप सोचेंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जी हाँ एक्चुअली मैं सही बोल रहा हूँ। गोल्फ बॉल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और काफी ज्यादा हद तक स्ट्रेचेबल भी है, जैसे कि इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में गोल्फ बॉल को एक बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस पर तान कर फेंका गया था, जिसके बाद ये कितना ज्यादा स्मैश होता है और उसके बाद फिर से अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। यही बताता है कि इस बॉल को कितने ज्यादा फोर्स में हिट किया होगा कि ये पूरा स्मैश हो गया, लेकिन उसके बाद भी अपने ओरिजिनल शेप में ये वापस आ गया। यानी ये बॉल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया जाता है। नंबर 12, बनाना खाने से आप खुश हो सकते हो, मतलब हैप्पी हो सकते हो। बनाना में एक खास टाइप का केमिकल होता है जो जब इंसान खाते हैं तब दिमाग में रिलीज होता है, और इससे हमें खुशी मिलती है, यानी कि इससे आप हैप्पी केमिकल भी कह सकते हो। और इसी केमिकल का इस्तेमाल एंटी डिप्रेसिंग पिल्स बनाने में भी होता है, यानी कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है या फिर जो बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर उनको खास तरीके की एंटी डिप्रेशन पिल देते हैं जो कि इन्हें खुश रखने में मदद करती है, और ये डिप्रेशन पिल्स में भी बनाना के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर 11, नॉर्मल कार कवर होने के बाद भी बहुत कम लोग उसे यूज करते हैं, क्योंकि वो कार को कुछ खास प्रोटेक्शन नहीं देता और उसे लगाने में काफी टाइम वेस्ट भी होता है। एक बार इस पोर्टेबल इन्फ्लेटेबल कार कवर को देखो, इसे लगाना काफी आसान है और ये कुछ ही मिनट में पूरी तरीके से फ्लोट हो जाता है, जिसके बाद ये आपकी कार को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखेगा। कई लोगों को अपनी कार से बहुत ज्यादा प्यार होता है और कई लोगों की कार इतनी महंगी होती है कि वो उसे डैमेज नहीं करवाना चाहते, और इसी वजह से वो लोग ऐसे कवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हो लिटरली इस कवर के ऊपर कैसी कैसी चीजें फेंकी जा रही है, फिर भी इसे कुछ भी नहीं हो रहा। नंबर 10, क्या कभी आपने सोचा है कि कार के टायर तो चलो रबर से बनते हैं, लेकिन ट्रेन के टायर को किस चीज से बनाया जाता है? ट्रेन के टायर जो होते हैं वो मेटल से बनाए जाते हैं, और इसीलिए उनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अब तो बड़े मशीन की वजह से ये काम थोड़ा आसान हो गया, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस। इतने पावरफुल हाइड्रोलिक प्रेस से गर्म मेटल को बार बार हिट किया जाता है, और एक दूसरा मैकेनिकल आर्म इस मेटल के पीस को मूव करता रहता है ताकि उसे परफेक्ट सर्कल में बनाया जा सके। एक बार ये काम हो जाता है तो कुछ लोगों द्वारा उसमें अंडर
बड़ा सर्कल बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले तो कुछ इस तरह से हिट किया जाता है और इसके बाद बीच में एक सर्कुलर मेटल रिंग डाली जाती है। फिर इस रिंग को निकालते हैं और इसके बाद ये टायर को ऊपर से हॉलो करते हैं और ये टायर बन जाता है। नंबर 9, ये मधुमक्खियाँ बस एक चॉकलेट फैक्ट्री के पास रहने की वजह से अपने शहद का कलर अलग देती है। यकीन नहीं हो रहा ना? जी हाँ, बताता हूँ। ये मधुमक्खियाँ ब्लू और ग्रीन कलर का हनी भी बनाती हैं, वो भी कहीं और नहीं बल्कि इस चॉकलेट फैक्ट्री के आसपास रहने वाली मधुमक्खियाँ। दरअसल मास चॉकलेट फैक्ट्री के आसपास में कुछ मधुमक्खियों के छत्ते थे और उन मधुमक्खियों को अंदर जाने का रास्ता मिल गया, जिसके बाद ये अंदर से मीठी कैंडी खाने लगी। और फिर कुछ वक्त बाद देखा गया तो इनके छत्ते से ब्लू या फिर ग्रीन कलर की हनी निकल रही थी और ऐसा आसपास के सारे हनी कॉम्ब के साथ हो रहा था, क्योंकि हनी भी उसी चीज का हनी बनाती है जो वो कंज्यूम करते हैं। इसी वजह से अलग अलग फ्लावर और प्लांट के आसपास रहने की वजह से उनका हनी डिफरेंट होता है। कई बार तो कुछ मेडिसिनल प्लांट के आसपास हनी बनाने से उस हनी में भी मेडिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। नंबर 8, पुराने टाइम की वॉशिंग मशीन देखिए, नहीं तो ये देखो, इसे हम नेचुरल वॉशिंग मशीन भी कह सकते हो। दरअसल ये वॉशिंग मशीन पूरी तरीके से बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करती है। इसे बनाने के लिए किसी नेचुरल वाटर स्ट्रीम को लिया जाता है और इसमें फिर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया जाता है और इसके बाद एक बकेट ली जाती है जिसमें कपड़े को डाला जाता है और इस बकेट में जाने के लिए पानी को बस एक तरफ से ही भेजा जाता है ताकि पानी गोल गोल घूम सके, जिससे वो बिल्कुल किसी वॉशिंग मशीन की तरह घूमता है और सारा गंदा पानी नीचे से निकल जाता है। ये एकदम कमाल का तरीका है, लेकिन ऑब्वियसली ये वॉशिंग मशीन जितना अच्छा नहीं है। नंबर 7, कैसे ये पैकेट में आने वाली मैगी एक पिरामिड से भी ज्यादा लंबी हो सकती है? आपने कभी ये सोचा है कि हाथों से बनाई गई सबसे बड़ी नूडल्स कितनी लंबी होगी? जापान के हिरोशी कुरुडा नाम के एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा बड़ी हैंडमेड नूडल्स बनाई है जो की साइज में 183.72 मीटर है। ये अमेरिका के वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से भी ज्यादा लंबी है। और जो मैंने वीडियो में पहले कहा था कि ये पिरामिड से भी ज्यादा बड़ी है, तो एक्चुअली में वॉशिंगटन टावर से छोटा तो पिरामिड ऑफ गीजा है और उसी के साथ ये काफी टेस्टी भी है। ये शेफ काफी ज्यादा टैलेंटेड है और कई सालों से नूडल्स बना रहे हैं, इसलिए ये इस काम में सक्सेसफुल हुए। वैसे अगर मशीन से इतनी बड़ी नूडल्स बनानी है तो वह काफी आसानी से बन जाएगी, इसलिए ये वाले नूडल्स इसलिए इतने स्पेशल है क्योंकि इसे पूरी तरीके से हाथों से बनाया गया है, क्योंकि हैंडमेड इतनी बड़ी बनाना बहुत मुश्किल है। नंबर 6, NFT को कुछ लोग डिजिटल करेंसी या फिर पैसों का फ्यूचर कहते हैं, वही कई लोग मानते हैं कि बस ये एक फ्रॉड है। लोगन पॉल जैसे कई यूट्यूबर्स NFT में काफी ज्यादा घुसे हुए हैं और रिसेंटली लोगन पॉल ने एक NFT खरीदी थी कुछ $6,20,000 की, यानी करोड़ों रुपए में, और उस NFT की कीमत गिर के अब $10 हो गई है, यानी ये मुश्किल से 700 से 800 रुपए। और ये देखकर कुछ लोग काफी खुश भी है क्योंकि कुछ वक्त पहले लोगन पॉल ने एक NFT गेम भी प्रमोट की थी जिससे कई लोगों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ था। नंबर 5, यार कई लोग अपने एम्प्लॉयज को छोटी मोटी बात पर काफी ज्यादा डांट देते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी जाते हैं, भले ही अगर ओनर का नेचर रूड नहीं है फिर भी वो वैसा बिहेव करते हैं और इन्हें लगता है कि ऐसा करने से एम्प्लॉय और अच्छे से काम करेंगे, लेकिन ये बात सच नहीं है क्योंकि कई सारी रिसर्च में पता चला है कि जो अपने एम्प्लॉयज को प्रेस करते हैं और काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं उनकी गलतियों को पूरी तरीके से नजरअंदाज तो नहीं करते लेकिन उनकी गलतियों को सही करवाते हैं, ना कि डांटते हैं, उनके अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू जिनको डांटा जाता है। और ऐसे एम्प्लॉयज अपने बॉस के लिए लॉयल भी होते हैं और ये और भी ज्यादा अच्छे से सेल्फलेसली काम भी करते हैं। नंबर 4, अगर आप बीवर नाम के इस जानवर को खाते हुए देखोगे ना तो आपका स्ट्रेस 17% कम हो सकता है और इससे आपका एग्जाम का स्ट्रेस भी कम हो सकता है। वैसे इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है बट ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये काम करता है क्योंकि अक्सर लोगों को क्यूट जानवर देखने के बाद स्ट्रेस काफी कम फील होता है। और ये बस एक जानवर के लिए नहीं बल्कि कुत्ते बिल्ली लिटरली किसी भी क्यूट जानवर पर काम करता है और इसी वजह से बीवर जो है वो कई लोगों को क्यूट लगता है, तो हो सकता है इसे देखने के बाद कुछ लोगों का स्ट्रेस कम हो जाए क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग वे में खाना खाते हैं, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि स्ट्रेस 17% कम होता है। नंबर 3, USA के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके शॉकिंग बात देखो, वो एक मीटिंग में थे और उनके हाथ में एक पर्चा था। यूजुअली कोई बड़ी बात तो नहीं है लेकिन जब उस पेपर को उन्होंने गलती से कैमरा के सामने दिखा दिया तो उस पर लिखा हुआ था कि जो बाइडेन को क्या क्या करना है, यानी यूजुअली प्रेसिडेंट को इंस्ट्रक्शन तो दिए जाते हैं लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, यानी कि लिटरली उन्हें कैसे बिहेव करना है इसके भी इंस्ट्रक्शन लिखकर पेपर में दिए गए थे। ये देखकर काफी शॉक लगता है और कई लोगों को इसके बाद से कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव भी होने लगा है, जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का एक बॉडी डबल है जो सेम उन्हीं की तरह होता है। नंबर 2, यार ऐसी कई गलतियां होती हैं जो कि हम रोज करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, जैसे कि एप्पल को हम सब साइड से बाइट करके खाते हैं लेकिन ये गलत तरीका है।
एप्पल खाने का सही तरीका टॉप टू बॉटम है, यानी ऊपर से खाना चाहिए और फिर पिज्जा को हमेशा कुछ ऐसे यू शेप में पकड़ना चाहिए, यही पिज्जा खाने का सही तरीका है। और स्ट्रॉबेरी जो है उसे हॉलो करने के लिए लोग नाइफ यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको स्ट्रॉ यूज करना चाहिए, इसलिए ही इसे स्ट्रॉबेरी कहा जाता है। और अगर आप भी ब्लेंडर को स्क्रब करके वॉश करते हो तो आप गलत कर रहे हो, आपको ब्लेंडर में बस डिश वॉशर डालना है और ब्लेंड कर देना है, ऐसे ये अच्छे से साफ होगा और मेहनत भी कम लगेगी। और ये वाली स्पेशली लड़कियों के लिए, इयररिंग पहनते हुए आप ये प्लास्टिक वाला पार्ट भी अक्सर पहन लेते होंगे, जैसे वो भी इयररिंग्स का पार्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इस पार्ट को पहनना नहीं होता बल्कि रिमूव करना होता है। नंबर वन, अक्सर स्कूल वाले बच्चों को पनिशमेंट देते हैं और पनिशमेंट देना कभी कभी जरूरी भी होता है, लेकिन कुछ टीचर्स फिजिकल पनिशमेंट को इतना ज्यादा आगे ले जाते हैं कि वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। जैसे नॉर्मल स्केल से पिटाई तो लगभग सारे स्कूल में होती है और कई बार ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चों को सीरियस डैमेज भी हो जाता है। इसी वजह से इंडिया में ये फिजिकल पनिशमेंट्स बैन हो गई, फिर भी कुछ स्कूलों में अभी भी ये होती है, लेकिन कुछ पनिशमेंट्स इससे भी बहुत खतरनाक होती है। जैसे कि चार्ल्स सम्नर एलिमेंट्री स्कूल में टीचर्स ने बस एक ग्लास पानी गिराने की वजह से बच्चों को पनिशमेंट दे दी कि वो जमीन से ही खाना उठाकर खाएंगे। ये बहुत अनहाइजीनिक होने के साथ साथ डिसरिस्पेक्टफुल भी है, बच्चों को सीरियस बीमारी हो सकती है। और फिर वॉशिंगटन के एक स्कूल में बच्चों को लिटरली आइसोलेटेड चैम्बर में रखा जाता था, ये बच्चों को मेंटली काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, इतना ज्यादा कि वो डिसेबल भी हो सकते हैं। और हैदराबाद के एक स्कूल के इस पनिशमेंट ने तो हद ही पार कर दी, एक 11 साल की लड़की ने सही यूनिफॉर्म नहीं पहना था और उसके पास इसके रीजंस भी थे, लेकिन वो सुनने से पहले ही स्कूल के लोगों ने पनिशमेंट दे दी और उसे लिटरली मेल वॉशरूम में खड़ा रखा गया था। सोचिए ये उस लड़की के लिए कितना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग रहा होगा। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता था कि बाहर के देशों में इन चीजों की कीमत छत फाड़ कर है, और कैसे मेरे वीडियोस देखने से सच में आपका दिमाग का शेप चेंज होते रहता है, और कैसे नेचर आपको ऐसा टैटू देता है जो कभी हटेगा ही नहीं। भाई ये वीडियो गजब मजेदार है, तो इसे अभी दबाओ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके ही जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।